पुलवामा में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। ऐसे में 6 बार निर्दलीय विधायक रहे रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने शहीदों के परिवार की सहायता के तौर पर 1 करोड़ रुपए की धनराशि और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। पुलवामा में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में आक्रोश देखने को मिल रहा है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां भी अपना प्रतिक्रिया दे रही है। हमारे साथ रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, हम इनसे बातचीत करेंगे। इन्होंने कुछ ट्वीट किए हैं पिछले 2 दिनों में, क्या ये कहना चाहते हैं देश से? सभी राजनेता और भारत के सभी नागरिक, सभी राजनीतिक दल, हर वर्ग भारत का इन हमलों से बेहद दुखी है, आक्रोश है। हमारा ये कहना है कि हर बार की तरह सिर्फ शब्दों की श्रद्धांजलि ही इस बार न दी जाए, क्योंकि बहुत हो चुका है। अफसोस इस बात का भी है कि लड़ाई के मैदान में हमारे जवान शहीद हुए होते तो उतना दुख न होता। यात्रा करते हुए बस में घात लगा कर के जो मारा, तो जो दमदार दुश्मन होता है वो सामने से ललकार के आता है, तो घात लगा करके मारा और हमारे जवान शहीद हुए, इस बात का दुख है। अब आ जाइए पारिवारिक उनकी राहत राशि पे जो हमने ट्वीट किया। कारगिल युद्ध एक समय सीमा के लिए हुआ, उस दौरान जितने वीर सैनिक शहीद हुए, वीरगति को प्राप्त हुए, उनको सरकार ने पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी ये सब दी। लेकिन कारगिल युद्ध के समाप्त होने के बाद जो सेना के जवान शहीद हुए या अर्धसैनिक बल के जवान शहीद हुए, उनको वो सुविधाएं नहीं मिली। हमारा ये कहना है कि आप ये तो कह नहीं सकते कि आप अब क्यों शहीद हुए, आप तब हुए होते तो ज्यादा अच्छा रहता आपके परिवार को। तो एक फिक्स मुआवजा सरकार के द्वारा किसी भी कालखंड में जो जवान सेना में है, अर्धसैनिक बल है, जो शहीद होते हैं, उनके परिवार को एक राहत राशि तय कर देनी चाहिए, जो कि 1 करोड़ की राहत राशि तय हो। ये नहीं कि हमारे विवेक पे है, हम कभी कम दे दें कभी ज्यादा दे दें, मूड अच्छा है तो बढ़ा दिया, नहीं तो माहौल के हिसाब से, जनता आंदोलित है तो जनता को दिखाने के लिए हमने मुआवजा बढ़ा दिया, नहीं तो एक ये हमारी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का एजेंडा भी है, घोषणा पत्र में भी है और इसको हमने मीटिंग में कहा भी। और उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी, नौकरी में क्या होता है कि मृतक आश्रित को जब नौकरी दी जाती है तो उसकी अवधि सिर्फ 5 वर्ष होती है। कोई दुर्घटना हो गई, जो शहीद हुए, तो वो 5 वर्ष की अवधि में ही उनको इस समय सीमा की छूट इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो जवान शहीद हो रहे हैं वो सब नौजवान हैं, उनके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, तो 5 वर्ष में वो नौकरी करने लायक नहीं हो जाएंगे, तो समय सीमा की छूट वहां पे होनी चाहिए, जो 5 साल की समय सीमा ये हटा देनी चाहिए। जी, जम्मू कश्मीर के पुलवामा क्षेत्र में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में आक्रोश देखने को मिल रहा है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां भी अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं। 6 बार से निर्दलीय विधायक रहे और पिछले दिनों अपनी पार्टी जनसत्ता बनाने वाले रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने भी सवाल करते हुए ट्वीट किया है कि हम आखिर कब तक बातों की श्रद्धांजलि ही शहीदों को देते रहेंगे। इस बार जनता की भी यही राय है कि ऐतिहासिक कार्यवाही होनी चाहिए और हमें सीधे हमला करना चाहिए। वहीं दूसरा ट्वीट करते हुए रघुराज प्रताप सिंह ने शहीदों के परिवार को दी जाने वाली 25 लाख की राशि को काफी कम बताया है और कम से कम 1 करोड़ रुपए और परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की मांग भी की है। लखनऊ से प्रशांत मिश्रा, ईटीवी।